लगभग एक दर्जन हत्याएं हुई है बिहार में, कोई पकड़ा नहीं गया है। सरकार क्या कर रही है, हम तो बता नहीं सकते। सरकार कितनी गंभीरता से इन सारे मसलों को देख रही है ये बिहार की जनता बताएगी, लेकिन हम लोगों की तो जिम्मेदारी है और बिहार को सुरक्षित रखना है। बिहार में जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आ रही हैं, चार दिन में कई हत्याएं व्यवसायिकों की हो गई, व्यवसायिक लोग जो हैं, जो बिहार की जो पूंजी थी, लगातार आप देख रहे होंगे कि निर्दोषों को बुलेट का शिकार बनाया जा रहा है। और लगातार हम लोग आज से ही नहीं, पिछले विधानसभा सत्र में भी आपने देखा होगा कि पूरे बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं खराब हुई, पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी ने पुलिस को शराबबंदी कानून को इम्प्लीमेंट कराने में लगाया, लेकिन हो क्या रहा है कि होम डिलीवरी शराब आए जा रही है। अब पुलिस का सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ होना चाहिए, प्रायोरिटी कहाँ होनी चाहिए, हत्यारों को पकड़ने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, लोगों को सुरक्षित करने में, या शराब पकड़ने में? ये पहले सरकार को क्लियर मैसेज पुलिस को देना चाहिए। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, बिहार की जनता की यही उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, यहाँ रह करके समीक्षा करते, अपराधियों को पकड़ने में वो अपना ध्यान लगाते, पुलिस को टाइट और दुरुस्त करने में लगते, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो ध्यान है वो दिल्ली में है, केवल और केवल सीट बंटवारे को लेकर। तो ये हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग चाहते हैं कि बिहार जो है तरक्की करे। जब बिहार के व्यवसायिक लोगों की हत्या होने लगेगी तो बिहार में जिस प्रकार से पलायन पहले से ही है, और पलायन बढ़ेगा। अभी यहाँ आने के बाद हम लोगों को जो पूछा जा रहा है कि बिहार में हम रहें या ना रहें, ये सवाल एक व्यक्ति का सवाल नहीं बल्कि ये सभी लोगों का सवाल बनता जा रहा है। बिहार सुरक्षित नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो बिहार हमारा आगे कैसे बढ़ेगा, बिहार का भविष्य कैसे सुधरेगा, इस पर कोई रोड मैप, कोई रोड प्लान मुख्यमंत्री का नज़र नहीं आता। और जाहिर सी बात है कि जब विधानसभा में सरकार की गंभीरता ये बताती कि विधानसभा में जो होम मिनिस्ट्री का सवाल है जो मुख्यमंत्री के पास है, उस पूरे वर्ग को ही प्रश्नकाल उत्तर से आप हटा दीजिएगा, यानी कि आप होम मिनिस्ट्री और लॉ एंड ऑर्डर, हत्या लूटपाट डकैती रंगदारी के बारे में, गैंग रेप के बारे में सवाल ही नहीं पूछ सकते आप सरकार का, तो आप समझ सकते हैं सरकार कितनी गंभीर है। मुझे दुख होता है, हम पॉलिटिकली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब किसी राज्य का उप मुख्यमंत्री हाथ जोड़ करके अपराधियों के सामने गिड़गिड़ाने का काम करता है कि पितृपक्ष का महीना है, कुछ दिनों के लिए अपराधी जो हैं वो हत्या लूटपाट गैंग रेप बंद कर दें, तो मुझे शर्मिंदगी होती है। और इससे क्या होता है कि अपराधियों का मनोबल जो है वो बढ़ने का काम होता है। हाथ जोड़ने की जहाँ तक बात है, तो क्या हाथ जोड़ना काम आया अपराधियों के सामने? अपराधियों को तो घसीट करके जेल में बंद करना चाहिए। एक ऐसा सरकार को, पुलिस को सबक सिखाने का काम करना चाहिए कि बिहार में एक सबक हो उन अपराधियों को जो अपराध को अंजाम देने का काम करते हैं, जो मासूम लोगों की मृत्यु करने का काम करते हैं, मासूम बच्चियों के साथ गैंगरेप करने का काम करते हैं, दे शुड सेट अ एग्जाम्पल। लेकिन इस दिशा में आप बताइए, कानून अपना काम करेगा, हम अपराधियों को पाताल चढ़ के निकालेंगे? अरे आप पाताल में जाने क्यों देते हो अपराधियों को, कहाँ है? इतने दिन हो गए हैं, चश्मदीद गवाह हैं, खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं, भाग गए हैं कि नहीं, बिहार में हैं, कहाँ भाग गए, नेपाल में हैं, आखिर हैं कहाँ? आखिर जिन परिजनों, जो इनकी हत्या है, उनके परिजनों का सवाल है कि भाई जिसने हमारे बच्चों को मारा, जिसने हमारे भाई को मारा, कम से कम पुलिस उसको तो पकड़ने का काम करे, कम से कम मेरे भाई को सुरक्षित
या बिहार के नागरिकों को सुरक्षित नहीं कर सकते, कम से कम जिन्होंने गोली मारी उसको तो पकड़ के लाओ। लेकिन कहाँ है, लेकिन सरकार का वही घिसा पिटा डालो कि हम पाताल से ढूंढ कर करेंगे। पाताल में जाने क्यों देते हो? सुरक्षा हम जो है सुशासन, सुशासन के नाम पे हम इतना कह सकते हैं लोग थूकने का काम कर रहे हैं। सुशासन हो गया है पूरी तरीके से बिहार में राज्यपाल से। दिस इज टू मच, अब बिहार की जनता इसको सहन नहीं करे। राज्यपाल से हम चाहेंगे, राज्यपाल से भी हम लोग चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो सहयोग हो सके इंसाफ दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए, उस कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कम से कम सरकार तो गंभीर हो, पुलिस तंत्र तो गंभीर हो, थानों की नीलामी कर दी गई है, बोली लगा दी गई, और जो जितना आगे बाबू साहब को देगा ऊपर उसी हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग हो, उसी हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। आप परिजनों से मिले, उसमें परिजनों की जो मांगे हैं वो क्या है कि भाई ये तो ये होना नहीं चाहिए, और जो हुआ है कम से कम उस अपराधी को तो पकड़ने का काम करो, ताकि उनके परिवार का बेटा खोया है कभी दूसरे परिवार का बेटा ना खो, कम से कम ऐसा एग्जाम्पल सेट कीजिए। लेकिन नो वन इज सीरियस अबाउट। और बिहार में जिस प्रकार से लोग अगर भागेंगे, अगर व्यावसायिक लोग अगर भागेंगे, तो आप समझिए जो एंटरप्रेनर्स हैं वो भागने लगेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो भागने लगेंगे, तो आप लोगों को रोजगार कहाँ से दोगे, कहाँ से नौकरी करेंगे, क्या फ़ायदा हो? एजुकेशन में ऐसे ही पलायन करते हैं, रोजगार के लिए ऐसे ही पलायन करते हैं। अब तो ये तो बहुत ही दुखद होगा ना कि हम अपने घर में सुरक्षित नहीं इसलिए हम भाग के आए, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है जिसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि सभी मुख्यमंत्री हों या उप मुख्यमंत्री हों, भले ही अलग अलग पार्टी के लोग हों, लेकिन सब लोगों को अपराध को लेकर के कम से कम एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, कार्रवाई करने की ज़रूरत है, नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट। लेकिन इतना तो हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे से भैया अपराधियों के सामने हाथ मत जोड़िए, हाथ उठे तो उनको पकड़ने के लिए उठे, उनको सज़ा दिलाने के लिए उठे, इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उठे, लेकिन गिरगिराने की ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये बड़े दिन से ही लोग ऑब्जर्व कर रहा होगा कि इनका टाइमिंग क्या है आने जाने का, किस कैसे आते हैं, कुत्ते का लोग रहता है, कहाँ स्पॉट अच्छा होगा, पूरा रेकी वगैरह सिंगल आदमी पहले तो इधर से भी आस पास आ करके क्या होगा। नहीं नहीं, करने वाला एक ही आदमी, सबसे आश्चर्य की बात वही ये लोग सिक्योरिटी के साथ मांगे। बट ये बताइए, उसके पास तो इन्फॉर्मेशन पहले होगा कि एग्जैक्ट इस टाइम पे यहाँ पहुँचने वाले हो, और ही मस्ट बी फॉलोइंग, ही मस्ट बी फॉलोइंग, मस्ट बी टाइम कोई सेट नहीं था, या तो कोई इंटरनली कोई होगा विच पासवर्ड मैसेज करता होगा, समवन एल्स वाज फॉलोइंग एंड ही वाज इन कांटेक्ट विद दैट पर्सन। गोली मारने वाला एक होगा लेकिन कंस्पिरेसी में और भी लोग होंगे, मदद करने वाले और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ कोई भी अभी तक पुलिस का कोई आके इन्वेस्टिगेशन या पूछताछ किसी से भी आसपास स्टाफ वगैरह से? फैक्ट्री में बुलाया, फिर ड्राइवर को भी बुलाया, मनु महाराज ने भी कल बुलाया था, तो इसमें ड्राइवर को भी कुछ हुआ? ड्राइवर को खाली स्लाइड मतलब छल्ली लगी, करीब से मारा है, एकदम शीशा में लगा, एकदम निशाने से लगा, शीशे पे लगा के मारा है, तो कान गिर गया, तो मारा ड्राइवर के बगल में बैठे हुए थे, तो गोली उसके पीछे से लगा, एक गोली जो है उसको मार कर जो हुआ वो लोग पीछे भागा भी, करीब 50-60 फीट पीछा किया, पत्थर ऊपर चला है, तीन आदमी पीछे भागा। कोई तो दरवाजा खोलने वाला हम देखे थे इंटरव्यू पे, बोला कि देखे थे पीछे खदेड़ा भी था लोग। चलिए इसमें हम लोग से जो होगा हम लोग करते हैं, हम लोग तो लगातार हाउस से लेकर के हर जगह हम लोग क्राइम को लेकर के हम लोग उठा ही रहे हैं।